सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि, आपका सुंदर एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं संजय वन, क्योंकि संजय वन दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक है, और मैंने उसके बारे में काफी सर्च आउट भी किया था गूगल पे, और आज सच में ही संजय वन को मैं देखने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं हॉन्टेड व्लॉग। इसमें आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। सॉरी थोड़ा सा ट्रैफिक है, मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट अब आगे। तो गाइस, संजय वन यहाँ से 3.7 किलोमीटर रह जाता है, और अभी अभी मुनीर का मैंने पीछे छोड़ दिया है, और मेरा फ्रेंड नक्श आगे जा रहा है अपनी स्कूटी पे, क्योंकि उसे भी संजय वन के बारे में जानने में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी और काफ़ी सुना है उस जगह के बारे में। बट आज देख भी लेते हैं खुद की आंखों से और आपको दिखा भी देते हैं व्लॉग के। घर से निकले थे 6 बजे और अभी हो रहा है 6:35। चलिए चलते हैं, अपना टाइम हो चुका है, अपना टाइम आएगा बट पता नहीं कब आएगा, और संजय वन भी आएगा 2 किलोमीटर के बाद। तो ये मेरा फ्रेंड है गाइस नक्श, सबसे पहले वीडियो में नक्श ही डराएगा हमको। भाई वीडियो चालू है। तो गाइस, मैं संजय वन ऑलमोस्ट आ गया हूँ, और ये सामने आ गया है संजय वन। यार, A few moments later, मैं आपको बता दूं संजय वन मैं पहुंच चुका हूँ, और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे शेरे पंजाब फूड्स। तो हमको इधर तकरीबन 5 से 6 घंटे रुकना है, सो दैट कि पूरे संजय वन को एक्सप्लोर कर दें और आपको दिखा दें इस मिस्ट्री को अनवेल करके। बट उससे पहले हमें कुछ खाना पीना था, तो मेरे दो फ्रेंड इधर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, सर थोड़ा सा नाम, मेरा नाम है किशन, हम लोग यहाँ पे आज रात भर रुकने वाले हैं। लेट्स सी, संजय वन को एक्सप्लोर करते हैं, और इसके पीछे अगर मिथ है या कुछ सच्चाई भी है, वी विल गेट टू नो एंड अर्ली मॉर्निंग आपको बताएंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या होने वाला है। तो नक्श भाई हाय कह दो। हाय गाइस। तो आपने देखा नक्श भाई खाने में थोड़ा बिजी है। तो चलिए फटाफट से कुछ खाते हैं। And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands. मैगी मैंने खा ली है, और उसके बाद ये ढाबे पे एक भाई काम करता है, ये आपको बताएगा कुछ। तो भैया अंदर क्या है? बहुत ज्यादा जंगल है अभी, तो अंदर जाना क्या सेफ नहीं रहेगा क्या? नहीं, अभी नहीं जा सकते। नहीं, अभी नहीं जा सकते। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना, वैसे ये जो लड़का है ये शेरे पंजाब ढाबा फूड्स पे काम करता है, ये बता रहा है कि अंदर अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें मिस्ट्री को अनवील करना है तो अंदर तो हमें जाना ही होगा और आपको तो दिखाना ही है। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आपने देखा ही होगा मैं घर से चला और संजय वन में पहुंच गया हूं, क्योंकि मुझे इधर 5 से 6 घंटे बिताने हैं। वो दैट आई कुड शो यू द रियलिटी और इट इज जस्ट अ मिथ कि संजय वन हॉन्टेड प्लेस है या नहीं है। तो मैंने जस्ट बाहर ढाबे पे मैगी खा ली है, सो दैट कि मैं इधर 5 से 6 घंटे बिता दूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसे जंजीर से बांध दिया गया है मेन गेट को, सो दैट कि इसके अंदर कोई बाइक या गाड़ी ना जा सके। बट इसका जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका रास्ता यहाँ साइड से है और थोड़ा सा संकरा रास्ता है, आप देख ही रहे होंगे। तो एक
एक नज़र पूरे संजय वन में। तो रात का समय है इसलिए पूरा अंधेरा यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बट एक बोर्ड उधर दे रखा है, चलिए देखते हैं उस बोर्ड पर क्या लिखा है। तो गाइज़ मैंने संजय वन में एंटर कर दिया और यहाँ पर कुछ नियम लिखे हैं, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान, खाना पीना वगैरह वगैरह। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ साथ के साथ, यहाँ पर बिना इजाज़त जंगल में फिल्म बनाना, व्यवहारिक फ़ोटो लेना, सामूहिक खेल खेलना वगैरह मना है। बट अगर यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कैसे। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और आपको पूरा संजय वन एक्सप्लोर कर देते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं संजय वन। गाइस संजय वन में मैंने एंट्री ले ली है और एंट्री लेते ही मेरे सामने एक बोर्ड है, आप भी उसे देख रहे होंगे, यू आर इनसाइड अ नोटिफाइड फॉरेस्ट। और हमें इसे प्रिजर्व करके भी रखना है, बट साथ के साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा है तो प्रिजर्व रखने के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रास्ता जा रहा है इधर लेफ्ट और दूसरा जा रहा है राइट, तो हमें लेना है राइट। तो गाइस जैसे ही मैं आगे की ओर चलाऊँ तो आप रास्ता देख रहे हैं कितना छोटा रास्ता होता जा रहा है, नैरो भी हो गया है। और ऊपर का सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा घना जंगल है और दोनों तरफ पेड़ों से वो घिर गया है, ये आप देख सकते हैं। मेरे फ़ोन की जो लाइट है वो कम पड़ रही है, इसलिए मेरा जो फ्रेंड है वो साथ के साथ मुझे हेल्प भी कर रहा है और पूरा सीन आपको दिखाने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ आप देख सकते हैं, ये देखिए रास्ता। तो रात में जो संजय वन है और भी ज़्यादा हॉरर हो जाता है। ये एक नज़र यहाँ के पेड़ों पर, वो क्या है? अच्छा उल्लू है, उल्लू है, उल्लू है। किधर है वो रहा भाई, किधर है वो, उस तरफ था, उधर था। तो अभी भी मेरे फ्रेंड ने एक आउल देखा यहाँ पे, उल्लू जो कि उड़ गया है। आप इस पेड़ को देख सकते हो यार, बड़े खतरनाक तरीके से ये है, ये देखिए गाइस। इसको तो देख के ही मुझे काफ़ी हॉरर सा फील हो रहा है, ये देखिए इस पेड़ की जो शेप है, काफ़ी पुराना सा पेड़ है। और एक नज़र मैं अपने पीछे भी मार दूं, कहीं पता लगे पीछे से कोई आ रहा है। तो अब तक तो गाइस सब कुछ ठीक है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं। गाइज़ मैं संजय वन के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक पुलिया भी जा रही है जिसके नीचे से पानी भी बह रहा है। ये देख सकते हैं एक चमगादड़ यहाँ पर घूम रहा था। यहाँ पर इतना सन्नाटा है ना कि यहाँ पर सिर्फ पानी की आपको आवाज़ आ रही होगी और यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मुझे संजय वन में घूमते घूमते कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, बट ये जो जंगल है इतना ज़्यादा घना है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंधेर घुप हो चुका है। वैसे अब तक मुझे कुछ यहाँ पर दिखा नहीं है, बट हाँ जितना यहाँ पर अंधेरा है उसको देख के काफ़ी डर लग रहा है। गाइस पुलिया को मैंने पार कर दिया है और पूरा जितना अंदर मैं जा रहा हूँ उतना ही ज़्यादा ये जो जंगल है बिल्कुल घना होता जा रहा है। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और अगर एक बोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली में पाए जाने वाले जो सांप हैं वो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि जंगल है तो सावधानी से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं कोई भी सांप निकल के आ सकता है और आपको बाइट भी कर सकता है। तो चलते हैं आगे, और अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया है, बट हाँ जितना अंदर मैं जा रहा हूँ मुझे डर काफ़ी लगना शुरू हो गया है। संजू भाई यार वीडियो बनाते समय मेरे को अपने पीछे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सिर्फ मेरी जो आँखें हैं सिर्फ लाइट पे हैं, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो क्या आपको भी डर लग रहा है? डर का तो कुछ ऐसा है कि पीछे अगर आप देखो पैरों की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ पेड़ वेड़ हिल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है,
तो डर तो पूरा बना हुआ। मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ तो कितना अंधेरा है बिल्कुल। फ्रंट पे तो मैं लाइट, फेस मेरा लाइट जा रही है आपके ऊपर, तो आप हो यहाँ पे, लेकिन अगर पीछे देखो तो पीछे तो भाई बहुत ज्यादा अंधेरा, डर लग रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है बार बार। तो गाइस मैं जितनी बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ उतना मुझे डर लग रहा है, बट आपको दिखाने के लिए मैं अंदर भी जा रहा हूँ। यार ये किस चीज की आवाज आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नक्स हम मजार की ओर आगे बढ़ रहे हैं यार, आराम से चलना यार, आराम से चलने की जरूरत है, आराम, पूरा पथरीला रास्ता है। थोड़ा लाइट इधर करना गाइस, काफी अंधेरा है, हो सकता है कि आपको ज्यादा नजर भी ना आ रहा हो, लाइट इधर करो। और मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ, मजार आने वाली है, ये देखिए ये क्या सांप की तरह क्या रखा है, ये क्या पड़ा हुआ है, ये सांप की तरह ये क्या पड़ा हुआ है, अरे बाप रे, ये सांप नहीं है, ये कुछ जंगली फल है कुछ। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा पत्ते पड़े हुए हैं, और गाइस मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मजार तक रात में कोई पहुंच नहीं सकता, और मैं आपको मजार भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस मैं मजार तक पहुंच गया हूं, ये एक नज़र आप कर सकते देख सकते हैं, क्योंकि मैं संजयवन में काफ़ी अंदर तक आ गया हूं, तो इसलिए थोड़ा जंगली जानवर की आपको भी आवाज़ सुनाई दे ही रही होगी। मजार को कवर करने के बाद मैं जा रहा हूं बाहर की ओर, क्योंकि अभी भी मुझे यहां पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, ये दोबारा से पथरीला रास्ता शुरू हो गया। गाइज अराउंड 8 बजे मतलब 7:30 पे मैंने संजीवन में एंटर किया था, और अब तकरीबन 12:15 का टाइम हो रहा है, तो तब से लेके अब तक मुझे तो कुछ ऐसा नज़र आया नहीं है। हाँ, जंगली जानवरों की आवाज़ मुझे ज़रूर आई थी, अभी पीछे जैकॉल्स की आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ से मैं थोड़ा डर भी गया था, बट हाँ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो संजू भाई आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है इधर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बस मिथ है, मिथ और कुछ नहीं, लोगों की फैलावी बातें हैं। तो जैसा कि संजू को भी ऐसा ही लगा और मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऐसा कुछ इधर है नहीं, बट हाँ तकरीबन 4-4.5 घंटे इसको एक्सप्लोर करते हुए मुझे हो गए हैं, और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो काफ़ी देर होगी घूमते हुए, अब मैं किसी बेंच पर बैठूँगा, 2-3 घंटे उधर बिताऊँगा, ठीक है संजू, क्योंकि अब तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पर। और चलिए और आगे चलते हैं। 5 hours later तो गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं और अब चलने का टाइम आ गया है। चेक करोगे? तो गाइस पूरी रात हो गई अंदर और सुबह के बज गए 5:30, और सुबह का क्या है अभी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, सब बच्चे अभी साइकिलिंग का काम, साइकिलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों ने जॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगा नहीं यहाँ पर, और बस मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि जानवरों की आवाज़, एक पुलिया मैंने देखी और पत्तों की आवाज़ थी जिनमें हो सकता है सांप भी होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत।
मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं।